अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अशी व्लॉग्स एंड कुकिंग। कैसे हैं आप सब? आज की मेरी वीडियो है रिएक्शन वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस चैनल इज़ स्पार्कल। तो इनकी वीडियो देखते हैं और इन साथ साथ अपना रिएक्शन देते हैं कि इन्होंने किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की है अपने फेस पे ग्लिटर का यूज़ करके और मेकअप को किस तरह से यूज़ कर सकती हैं, और एंड में इनका देखते हैं कि कैसी इनका मेकअप लुक क्रिएट होती है। तो सबसे पहले चलते हैं, ये देखें यहाँ पर कर रही हैं जी ये कंटोरिंग अपने फेस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हर फेस। इनका फेस जो है वो पहले ही काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन उसके बावजूद कि थोड़ा बहुत अपनी जो कंटोरिंग की गुंजाइश है वो पूरी कर रही हैं, जो कमी बेशी है वो पूरी कर रही हैं। तो यहाँ पे नोज़ कंटोर हो रही है, इन्होंने फोरहेड पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स लगा ली हैं। यहाँ पे लिप्स को कंट्रोल किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने स्टेप लिया है कंटोरिंग के लिए। कंटोरिंग के लिए इन्होंने डार्क कलर को चूज़ किया है और उसको अब ब्लेंड कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिस जिस एरिया में कंटोरिंग की ज़रूरत है तो उसको कंटोर किया जा रहा है। तो आई होप सो कि रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे कंटोरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। और ये यहाँ पे हाईलाइट एरिया में अपने जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किया जा रहा है। हाईलाइट एरिया पे बहुत अच्छी तरह से इसको अप्लाई किया गया है और उसके बाद इसको ब्लेंड किया जाएगा यहाँ पे नोज़ में, फोरहेड पे और लिप्स के साइड्स पे। तो ये मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि आपको नॉलेज मिलेगी। आप लोग ये ट्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छी सी लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को भी अच्छे से ब्लेंड करने देना है, लेकिन जहाँ पे पहले डार्क प्रोडक्ट यूज़ की गई थी जो कंटोरिंग के लिए यूज़ की गई थी उसके ऊपर इसको अप्लाई नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके ऑपोजिट जहाँ जहाँ डार्क प्रोडक्ट यूज़ नहीं की, मींस के कंटोरिंग प्रोडक्ट यूज़ नहीं की गई, वहाँ पे इसको अप्लाई नहीं किया गया। अभी यहाँ पे जो है ब्लशन की मदद से, ब्लशन हल्का हल्का जो ब्रश ब्लशन है वो यूज़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने फोरहेड जहाँ जहाँ पे यूज़ किया था प्रोडक्ट को, कंटोरिंग कलर को, वहाँ वहाँ उन्होंने अगेन एक दफ़ा हल्का हल्का टैप टैप ब्रश यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे स्टे है, इसको मैट स्टे के करेंगी पफ के साथ में, बहुत इसको रगड़ना नहीं है, टैप टैप कर रही हैं जिससे जो है वो प्रोडक्ट जज्ब हो जाता है। यहाँ पर यूज़ हो रहा है जी हाइलाइटर, और हाइलाइटर जो है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आ गया, जैसा कि आप उनके रिएक्शन से भी देख सकती हैं कि वो एक ही जगह पे कब थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, लेकिन इसको भी हल करेंगी। और मेकअप, आई मेकअप के साथ उन्होंने जो है अपना पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया है, और आप देख सकते हैं किस कदर हसीन आईज़ बनाई हैं उन्होंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।